शुरुआत की, मैं कवर पेज भी लाया, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद मैं काफ़ी अधिकारियों से मिलता जुलता रहता हूँ, पोस्टिंग डिपार्टमेंट हो, कस्टम हो, ये सारे अधिकारियों से मुलाकात होती रहती है। सैकड़ों अधिकारों से मिलने के बाद सबसे प्यारे अधिकारी हैं, सबसे रिस्पेक्ट प्यार वाला रिश्ता है। लेकिन मैंने देखा इधर जो टैलेंट है, मतलब 18 घंटे अधिकारी काम करने के बाद में सिंगिंग करते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, हस्तकला की चीज़ें घर में बनाएंगे, घर में जाएंगे तो चौक जाएंगे, इतना बड़ा अधिकारी कैसे समय निकाल पाते। तो बस मैंने उनको सिलेक्ट किया और उसके बाद रिक्वेस्ट किए, और वही बोले ना, मैं 6 मंथ उन पर मैंने PhD किया है, मतलब करीब कल को यानी कि फिल्म लिखनी पड़े तो मैं आराम से लिख सकता हूँ, इतने इनके बारे में जानता हूँ। तो बस शुरुआत की, और आने वाले समय में भगवान ने चाहा तो नए नए लोग जरूरी थोड़ी फिल्म सारी कवर पे हो, जो टैलेंट है वो कवर पे आना चाहिए। शिक्षादान की बात करें, हाँ शिक्षादान की बात है कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले शिक्षादान अभियान का शुभारम्भ किया है, उसका पोस्टर अन्ना हजारे साहब ने लॉन्च किया था। 2 घंटे अन्ना जी ने समय दिया था और उसमें हमारे साथ में लोग गए थे, वो समझने की मतलब समझने की तैयारी नहीं थे, बल्कि हमको बहुत लोग उनको घुमा चुके हैं, तो मुझे ये भी कोई घुमाने वाला आया है। लेकिन मैंने उन्हें 2 घंटे सुनने के बाद उन्हें बोला क्या कर सकते, वाह, और वो मैंने शुरुआत की। अभी सूरत, अहमदाबाद, मुंबई में अभी सब 135 बच्चों को एजुकेशन लिए पैसा मिल चुका है। ब्यूटीफुल कंसेप्ट मेरा ये है कि हम शिक्षादान वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, उसमें नीडी बच्चों का प्रोफाइल रहेगा, आप किसी भी बच्ची को अडॉप्ट कर सकते हो, उसका एजुकेशन का पैसा उसके स्कूल में दीजिए, ना फिल्म स्टूडियो ना उसकी फैमिली, सीधा कंसेप्ट, कोई पैसा खाएगा नहीं, तो वही होगा, तो यहाँ से चला यहाँ पैसा गायब हो जाएगा। बेटी बचाओ, ये बचाओ, स्वच्छ भारत आदमी बहुत अच्छा है, 5-स्टार होटल में मैंने देखा है कि बेटी बचाओ का पैसा 5-स्टार में लोग दारू पी के और ख़त्म कर देते हैं, किसी की बेटी नहीं पढ़ती। तो मैंने वही बोला कि पैसा सीधा उसके बच्चे के स्कूल में जाए, जिससे लोग शिक्षित हों।